नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की एक नई भर्ती आई हुई है उसके बारे में। जी हां दोस्तों, ये भर्ती निकल कर आ रखी है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। यहां पर नर्सिंग ऑफिसर के दो पदों पर वैकेंसी निकली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 31 मई 2024 को। वेबसाइट पर आप जाकर भी चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, rims.education.in, यहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर निकली है, कोई टेम्प्ररी वैकेंसी ये नहीं रहने वाली। तो इम्फाल की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। अब इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी, फॉर्म भरने का तरीका क्या रहेगा, सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ो तो सही आप। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे जो 31 मई को जारी हुआ है, डेट यहाँ पर दे रखी है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द फिलिंग अप ऑफ 2 रिजर्व वैकेंसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो सबसे पहली बात यहीं पता लग गई कि ये वैकेंसी जो है दो पदों पर वैकेंसी है। कितनी पदों पर है? दो पदों पर वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप्ड PWD कैंडिडेट, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए रिजर्व हैं। अच्छे कैंडिडेट जिनके हाथ पैर वगैरह सब कुछ सही हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं हैं, पूरी तरह से फिट हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन ये फिजिकल फिट कैंडिडेट के लिए नहीं है। जो अनफिजिकल फिट कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी रखी गई है। दो पदों पर वैकेंसी थी, वैकेंसी निकली हुई है डायरेक्टर रिम्स इम्फाल की तरफ से। तो आपको जो फॉर्म भरना है, इसका फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भर पाएगा। अब आप आ ही गए हो तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, अपने जो भी कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड साथी हैं उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उसका तो भला हो। सही, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें फॉर्म भरने का तरीका है, आपको फॉर्म नीचे में बता दूंगा, इस PDF को टेलीग्राम पर दे दूंगा। स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर उसे जाकर आप अभी ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगी आपको ये PDF। फॉर्म भरने का तरीका, आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन। जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एलिजिबल कैंडिडेट है, वो भरे। लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म क्या करना है, कैंडिडेट एज द रिक्वेस्ट टू सबमिट डियर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अटैच हर विद टू डायरेक्टर रिम्स एम। डेट इन्होंने दे रखी है, रिसिप्ट इशू सेक्शन, यानी कि सब कुछ डिटेल आपको फिलअप करके ईमेल भी आपको करना है, ठीक है। अलोंग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल एंड 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासवर्ड साइज फोटो टू बी स्कैंड इन कलर इन केस द एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ईमेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो एक फॉर्मेट दे रखा है वो फॉर्मेट निकालना है, उस फॉर्मेट को फिलअप करना है। उसके बाद 29 तारीख से पहले उस फॉर्मेट को अपने फ़ोन से भर के, अपने फ़ोन से स्कैन करके, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, आपको 2 पासवर्ड साइज कलर फोटो स्कैन करके आपको इस मेल आईडी पर शेयर करने हैं, ठीक है। इस फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरेगा, सॉरी मैंने ऑफलाइन बोला, ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आएंगे, लेकिन ऑफलाइन आपको एक बार प्रिंट निकलवानी पड़ेगी फॉर्म की, और फिर उस फॉर्म को स्कैन करके भर के भेजना है। rims.imphal@gov.in इस ईमेल आईडी पर आपको 29 जून से पहले फॉर्म भेज देना है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, दो पदों पर वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी रहेगी। नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं लगने वाली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले मैं एज लिमिट की बात करूंगा, तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाले जो कैंडिडेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं और वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर किसी कैंडिडेट ने ओनली GNM कर रखा है, GNM का डिप्लोमा कर रहा है रखा है, उसके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी होगा वो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। और इन तीनों डिग्री या डिप्लोमा के अलावा आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स या एज ए मिडवाइफ आप रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें इसमें फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस अब मैं बता चुका हूँ, कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली। कट ऑफ डेट की बात करें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो 29 जून 2024 जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तब तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद इसमें देखो और कोई चीज़ है, इसमें दे रखा है सिलेबस, आपका जो एग्ज़ाम स्कीम है
डेढ़ घंटे का, ढाई घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ढाई घंटे का आपका पेपर होने वाला है, तो यानी कि दो घंटे और 30 मिनट का पेपर होगा, 150 मिनट का टोटल पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स बीइंग टोस्ट एट द एसेशनल क्वालिफिकेशन लेवल, यानी कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो लेवल थी तब जो क्वेश्चन पढ़े वहाँ से आएंगे 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड आएंगे, क्वेश्चन टेस्टिंग नर्सिंग स्किल कॉम्पिटेंसी, यानी कि सिनेरियो बेस्ड 30 क्वेश्चन आने वाले, और 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। यहाँ पर जो आपका पेपर होगा, पेपर केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में कंडक्ट करवाया जाएगा, किसमें इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो जनरल कैटेगरी के 45, ओबीसी के लिए 40 और एससी एसटी वालों के लिए 35% रखे गए हैं। इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम और वेन्यू, इसके बारे में इन्होंने दे रखा है कि डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाई इन द ड्यू कोर्स, बाद में आपको बताया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सप्रेस चीज़ें दे नहीं रखी। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, फॉर्म प्रिंट आउट निकला के इसको फिलअप करना है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सब यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पर लगाना है, डेट स्टेशन सिग्नेचर करना है फॉर्म को फिलअप करके, और इसको स्कैन करके आपको भेज देना है, कहाँ पर आपके जो मेल आईडी मैंने ऊपर बताई उस पर। इसके अलावा ये भी आपको भरना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग द स्क्राइब और कॉम्पिटेंसी टाइम, यानी कि जो कॉम्पेंसेंट्री टाइम पे आपको जो स्क्राइब की अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप इसको भर सकते हो, बाकी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, आपका कोई जानकार है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दे वो। अगर यहाँ पर और कुछ चीज़ें जो देखने लायक है वो इतनी है कि 29 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 29 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को भर के, इसमें पैसे तो कुछ नहीं लग रहे, 10 रुपये सिर्फ आपको इसके लगने वाले हैं, किसके, जो ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकलवा के इसको भरोगे 10 रुपये इसका जरूर ही मित्र वाला ले लेगा। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं देख लो आप यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के साथ 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सभी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपीज लगेगी, मतलब उनको स्कैन करके लगाना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस भी नर्सिंग काउंसिल से मिला है वो लगेगा। बाकी अगर कहीं आप जॉब करते हो तो वहाँ से NOC जो मिलेगी वो NOC भी आपको इस फॉर्म में अटैच करनी है। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसी है, मैं बोलूँगा फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एक गोल्डन चांस, बड़ा मौका यहाँ पर मिला है रिम्स इम्फाल में जॉब करने का। अगर यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी इसमें क्लियरली बोल रखा है कि लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, तो लेवल 7 के अनुसार आप जानते हो 44,900 रुपये बेसिक पे होता है, और इसका 22,450 रुपये इसमें DA मिलता है, और लगभग 13,000 के आसपास XCT में क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो HRA वगैरह है वो मिल जाता है। XCT की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर Y की बात नहीं कर रहा, XCT की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये कितना हो जाता है, और यहाँ पर 80,000 रुपये आपको बिना काटे पीटे सैलरी यहाँ पर मिल जाती है XCT के अनुसार। बाकी इसमें काट पीटने के बाद लगभग 75,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी, लगभग 75,000 प्लस इसमें सैलरी आपको इस जॉब में रहने वाली है, और एक सुकून की जॉब है, काफ़ी कम वर्कलोड आपको इस हॉस्पिटल में देखने को मिला है क्योंकि ईस्ट एरिया में ये पड़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर तो आप करोगे सही क्योंकि आपका काम है, क्योंकि ये जो सप्त बगिनी, आपने सात बहने वाले राज्य का नाम सुना होगा, मणिपुर से वैकेंसी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से वैकेंसी निकली हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।